मनी एक्सचेंज का काम तो निपटा, अब केवल एक बचा है सिम कार्ड लेने का। मनी यार बहुत वीक है यहाँ की, अपने एक इंडियन रुपीज में 248 की पोते हैं। ऐसे इमिग्रेशन ऑफिसर्स बहुत ही कम देखने को मिलते हैं इतने बड़े। और अरे यार ये मेरी वाली बस जा रही है क्या भाई? देवर लिविंग में ही है। अभी तो यार मैं थोड़ा सा लेट हो जाता ना तो मुझे छोड़ के चले जाते भाई। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दी इंडो ट्रेकर। अभी मैं हूँ थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ लाओस और मैं भाई बस जाने वाला हूँ। अभी मैं मेरे हॉस्टल में ही हूँ। ये जो पीछे दिख रहा है ये अपना हॉस्टल, और हॉस्टल के बाहर ही एक टिकट काउंटर है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बस का टिकट बुक कर लिया है, वो है 1200 का वेंटियाना के लिए। मैं शाम को 5 बजे हमारी बस है, सुबह 6 बजे हम लोग पहुँच जाएंगे लाओस। आप लोगों को दिखाता हूँ थाईलैंड से लाओस तक की जर्नी। 1200 लगभग 3000 का टिकट हो गया भाई, बहुत महंगा टिकट है यार। ये मेरी हॉस्टल है, हॉस्टल के बाहर ये काउंटर है, यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटीज आप लोग बुक कर सकते हैं, डिनर क्रूज वगैरह डाइविंग काफी सारी एक्टिविटीज है। लेकिन थोड़ा सा वो है, महंगा तो पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन ठीक है यार मैं कहाँ कहाँ भटकता रहूंगा बस टिकट के लिए। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है जो बस स्टैंड है यहाँ का। शाम को हॉस्टल के गेट से ही मुझे बस पिक करेगा, तो ये सबसे अच्छी बात है। अभी 12 बज गए हैं, शाम को 5 बजे तक मुझे यहीं बैठना है, बैठे बैठे एडिटिंग करूंगा। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप चेकआउट करके अपना बैगेज वगैरह बाहर रख दो, और यहाँ पे जो कॉमन लिविंग एरिया है वहाँ पे रह के आप लोग अपना काम दाम कर सकते हो। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने थाईलैंड की बारिश दिखाई थी, और अभी भी जस्ट यहाँ पे बारिश खत्म हुआ है। मैं काफी देर से वेट कर रहा था कि भाई कब बारिश खत्म हो और कब मैं यहाँ पे खाना पीना खा के आऊँ। सुबह बस यहाँ पे हॉस्टल का ब्रेकफास्ट किया था, इधर चलना यार मुझे, मैं उल्टा कहाँ जा रहा हूँ। सुबह हॉस्टल का ब्रेकफास्ट किया था, उसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। और हॉस्टल का ब्रेकफास्ट आपको पता ही है, नॉर्मल सा होता है, ब्रेड होती है, कुछ फ्रूट्स होते हैं और एक कॉफी दे देंगे। मौसम एकदम साफ हो गया है, मजा आता है ऐसे मौसम में घूमने में। खाना पीना खा के आऊंगा, शाम को 5 बजे के लिए बोला है, लेकिन मेरी बस है ना 7 बजे है। यहाँ से बैंकॉक से सीधा वेंटियाना जो लाओस की कैपिटल है डायरेक्ट बस जाएगी। किराया बहुत ज्यादा है, 1200 लिया है, 1200 3000 से भी ऊपर हो गया है। तो यार 3000 के लगभग किराया हो गया, कोई ना, लेकिन जाना तो था ही। फ्लाइट लेके भी जा सकता था, फ्लाइट लेके जाता तो किराया पड़ता मुझे 6-6.5 हज़ार रुपये यहाँ से बैंकॉक से वेंटियाना के लिए, और बस से पड़ा है 3000 के लगभग, आधा किराया पड़ा है। ओवर नाइट बस जर्नी है वेंटियाना, ऐसे ही है समझ लेना। खाना पीना खाया और वापस होटल में आ जाऊंगा, मैं ज्यादा घूमूंगा फिरूंगा नहीं, आज मेरा मन भी नहीं है ज्यादा घूमने फिरने का। थाईलैंड का ट्रिप होता है यहीं पे खत्म, अब नया देश लाओस। कपड़े वगैरह ले सकते हो भाई आप लोग, यहाँ से लोग निकल गए हैं। देखो बारिश खत्म हुई और लोगों को घूमने में बड़ा मजा आता है यार। वो टेम्पल काफी, वो क्या है, पित्तल है, पित्तल का ही है ना वो, जो बेल टाइप का घंटा टाइप का दे रखा, वो क्या मस्त दिख रहा है ना इस वेदर में। और लोग बस बारिश खत्म हुई और लोग अपने घूमने फिरने निकल जाते हैं, है जबरदस्त भाई एकदम, बहुत प्यारा लग रहा हो यहाँ से। अब देखो आप लोग, मैं वहीं पे खा के जाता हूँ हमेशा, और इसी के बस थोड़ा सा आगे चलते ही जो यहाँ की नाइट लाइफ वाली स्ट्रीट है ना, वो आगे चलते ही मिल जाएगी। थाईलैंड में खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी यदि आप नॉन वेजिटेरियन है, और प्योर वेजिटेरियन है तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे ठेले वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे, एक तो चिकन ले लेता हूँ और एक सब्जी ले लेता हूँ। हेलो ब्रदर, राइस, चिकन एंड पम्पकिन, ओके या टू ऑप्शन, ओके। ऐसे ठेले वगैरह ना आपको बहुत मिल जाएंगे, खाने पीने की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। थाईलैंड में स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है यहाँ का थाईलैंड का। पम्पकिन जिसे हम लोग कद्दू बोलते हैं, राइस हो गया, ये चिकन हो गया, ये दो ऑप्शन के साथ राइस मिलता है यहाँ पे 50 बात का। 50 बात कोई खास ज़्यादा महंगा तो है नहीं, 114 इंडियन रुपीज के बराबर होता है। 100-125 रुपये में आप लोगों को एक टाइम का स्ट्रीट फूड मिल जाता है यहाँ पे, तो ठीक है। खाना पीना हो गया, मैं सोच रहा हूँ यार एक जूस वगैरह भी पी लूँ। एप्पल स्मूदी 40 बात का है तो लगभग 100 रुपये का हो गया। तो आज मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, तो मैं ना मेरे सिक्के निपटाते जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी जो जो खरीद रहा हूँ, खाना पीना खा रहा हूँ, सबको सिक्के निपटाते जा रहा हूँ, देते जा रहा हूँ। थैंक यू। ये अपनी हो गई एप्पल स्मूदी तैयार। स्मूदी जैसी सोची थी ना उतना अच्छा टेस्ट लगा नहीं भाई एप्पल स्मूदी का। वो खाना था चिकन राइस पम्पकिन, उसका अच्छा टेस्ट था। गाइस बस आ गया अपना,
ये यार मुझे लगता है पहले बस स्टैंड लेके जाएंगे, फिर वहाँ से सारी बसें जाएगी। ये सब होटल से एक एक पैसेंजर को उठाते हैं। बस जाएगी 7 बजे, 2 घंटे पहले उठा लिया मेरे को। बस का टाइमिंग था 7 बजे का, और इसमें लिखा है इन्होंने 5 बजे। वो मेरे को होटल वाले बोल रही थी जहाँ से मैंने बुक किया था कि बस 7 बजे स्टार्ट होगा। ये है थाईलैंड बैंकॉक का बस टर्मिनल, छटूचाक बस टर्मिनल है। यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये वैन से भाई ने यहाँ पे लाके छोड़ा, और भी बहुत सारे को पैसेंजर हमारे। चलो देखते हैं यार, बस टर्मिनल तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, अच्छा भी दिख रहा है। ऐसे लग रहा है वो चाइना में बस टर्मिनल होते थे ना, वैसे लग रहा है मेरे को। चाइना में भी ऐसे ही बड़े बड़े बस टर्मिनल हुआ करते थे। बैठने के क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम कर रखे हैं इन लोगों ने। सेम मुझे ना चाइना की याद आ गई ये सब देख के। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जाना है, एग्जिट प्लेटफॉर्म 1 से 83। प्लेटफॉर्म नंबर 5 दे, ओके। थाईलैंड की बसें कुछ ऐसी होती है, क्या बात है, काफी बड़ा बस स्टैंड है यार ये। मैं सोच रहा था कोई छोटा सा बस स्टैंड होगा। ये बसें भी देखो, डबल डेकर बसें यहाँ पे 100 से ज्यादा तो इन लोगों ने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं यहाँ पे। 25, 20, ओके 5, दिस इज प्लेटफॉर्म नंबर 5। या ओके ओके, थैंक यू। यहाँ से लाओस के कैपिटल वियंटियाना 610 किलोमीटर है। बोल रहे थे कि 6 बजे के लगभग तुम लोग वहाँ पे पहुँचोगे वियंटियाना। 6 बजे के लगभग पहुँचेंगे तो इसका मतलब रोड ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। लोग यार इतना जल्दी बैठते ही कम्बल ओढ़ लिए, इतनी एसी चलाते ही क्यों है फिर, मेरे समझ में नहीं आता। ये सर्दी भी लगती है और एसी भी चलाते हैं भाई लोग। मुझे तो सही बता रहा हूँ ना, जहाँ भी जाता हूँ बस हो, फ्लाइट हो, ट्रेन हो, एसी बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे बड़ी सर्दी लगती है एसी चलाते हैं तो। फ्लाइट में भी मैं एसी बंद कर देता हूँ। देखो मेरी वाली एसी तो अभी मैं बंद कर दूंगा, यहाँ से बंद कर दी मैंने, मेरे को सर्दी लगती है। अभी अदर एसी चल रही है ना तो फिर भी मैं ना कंबल ओढ़ के बैठूंगा यहाँ पे। कल से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लाओस को। लाओस में ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाला हूँ मैं, बहुत जल्द लाओस से निकल जाऊँगा। बहुत लंबा रूट है, हम लोग बाद में बताएंगे। अब जो रास्ते में रात में तो क्या ही दिखा पाऊंगा, रात में तो मुझे नहीं लगता कुछ दिखा पाऊंगा। सिटी से बाहर निकले और पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। तो सुबह आप लोगों से मिलता हूँ बॉर्डर पे। सुना है लाओस इमिग्रेशन में ना थोड़ा सा रिश्वत वगैरह बहुत ज़्यादा मांगते हो, कभी कभी एंट्री भी नहीं देते हैं। वीजा ऑन अराइवल है ना इंडियंस के लिए, तो वीजा ऑन अराइवल में दिक्कत तो करते हैं। मैं देखता हूँ देखिए मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है सुबह लाओस इमिग्रेशन में। जो सारा एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। लास्ट तक देखना वीडियो को यार, वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। आपके सवाल और सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है। दे दमादम भर दिया करो कमेंट बॉक्स को। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:30 बज गए हैं। क्रॉसिंग बॉर्डर है थाईलैंड और लाओस का, तो हम लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से जो बॉर्डर है वो लगभग 6 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से दूसरी बस जाएगी शायद, वो सेम बस नहीं जाती है। तो देखते हैं, दूसरी बस का टिकट वगैरह ले लिया है। नॉन्ग खोई से वियंटियाना। अभी हम लोग थाईलैंड साइड में हैं। सब लोगों का सामान, जिन जिन को वियतनाम जाना है उन उनका सामान पड़ा है यहाँ पे। और यहाँ से एक और टिकट लेना होता है जो कि उसी बस में इंक्लूडेड था, उसी बस वाले ने पैसा दिया है 55 बाद एक बंदे का टिकट यहाँ से नॉन्ग खोई से वियंटियाना के लिए। थाईलैंड से एग्जिट लग गया है, इमिग्रेशन क्लियर हो गया है थाईलैंड का, कुछ नहीं पूछा। यह है लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर। अभी लाओस का इमिग्रेशन है वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। जगह बड़ी प्यारी है यार, क्या खूबसूरत जगह है यार। इसी बस में हम लोग जाने वाले हैं। ये है यहाँ का लाओस और थाईलैंड का बॉर्डर। हम लोग एंटर कर गए लाओस साइड में। फाइनली अपने को लाओस का वीजा मिल गया है, कोई करप्शन नहीं है। मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट के अंदर आपको ये दे देंगे स्टिकर वीजा। ये वाला स्टिकर वीजा मिला है मुझे। जगह बड़ी प्यारी दिख रही है यार, ऐसे इमिग्रेशन ऑफिसेज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, इतने बड़े और इतने सुंदर सुंदर खूबसूरत से। अरे यार ये मेरी वाली बस जा रही है क्या भाई? हेलो
भाई मुझे छोड़ के जा रहे थे तुम लोग तो. यू आर लिविंग मी हियर. दे आर लिविंग मी हियर. अभी तो यार मैं थोड़ा सा लेट हो जाता ना तो मुझे छोड़ के चले जाते भाई. इतना काहे की जल्दी थी इनको यार. अजीबोगरीब सा वीजा दिया है इन लोगों ने. और प्राइसेज की बात करें तो $40 है. आप लोग बाद में भी दे सकते हो. बाद में थोड़ा महंगा पड़ता है. 1700 बाद मेरे को देना पड़ा जो 3800 इंडियन रुपीज़ के लगभग होता है. और यदि आप डॉलर में देंगे तो $40 जो कि 3400 या 3300 इंडियन रुपीज़ के लगभग होता है. तो आप लोग डॉलर में देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. चलो ठीक है वीजा मिल गया. लेकिन यहाँ पे बस वाले ज़्यादा देर रोकते नहीं है. बहुत मुश्किल से 15 मिनट के लिए रोकते हैं. तो आपको सारी प्रोसीजर ना फटाफट निपटानी पड़ेगी. लाओस के मेन बस स्टैंड पे उतर गए हैं. अब मुझे नहीं पता यार ये यहाँ का सिटी सेंटर का बस स्टैंड या कुछ और है. वाइब्स अजीब सी आ रही है. सिटी ना इतनी कोई खास ज़्यादा डेवलप नहीं है. बाहर चल के बताता हूँ आप लोगों को. बिल्डिंग्स वगैरह सारी की सारी बहुत छोटी छोटी है. कोई बड़ी बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे. इतना ज़्यादा हाई फाई नहीं लग रहा. बिल्कुल एकदम नॉर्मल सिटी लग रही है. कैपिटल है वेंटी है नहीं. यहाँ की कैपिटल है लाओस की. लेकिन कैपिटल भी इतनी नॉर्मल सी सिटी लग रही है. मेरे पास ना ही तो यहाँ की करेंसी है और ना ही सिम कार्ड है. एक्चुअली मैं इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद सबसे पहले करेंसी एक्सचेंज करवाता हूँ फिर सिम कार्ड लेता हूँ. लेकिन आज भाई लोगों ने इतना टाइम ही नहीं दिया यार. मैं तो वहाँ पे आके देखा और भाई बस निकल रही है मुझे छोड़ के निकल रही है. मैंने बोला यार क्या कर रहा है भाई. यहीं छोड़ के जाने का विचार है क्या. नहीं मैं सिम कार्ड भी वहीं से ले लेता. करेंसी भी मैं वहीं से एक्सचेंज करवा लेता. लेकिन आज ऐसा कुछ भी करवाना नहीं हुआ. अब देखता हूँ सिम कार्ड और करेंसी मुझे यहीं से लेनी पड़ेगी. टुक टुक देखो लाओस के यार. ये मेरी लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा टुक टुक देखा है. बाइक है या टुक टुक है यार. ये है कैपिटल लाओस की. और कैपिटल ऐसी टुक टुक मुझे कुछ अजीब से लगे यहाँ के. ये देखो ये छोटा सा बाइक के पीछे लटका लेते हैं और इसको टुक टुक बना लेते हैं. आगे चलते हैं देखिए कोई ATM वगैरह मिलता है या सिम कार्ड मिलती है. डॉलर तो पड़े हैं मेरे पास. यहाँ पे मनी एक्सचेंज का काउंटर भी लगा हुआ है. लेकिन मैं सोच रहा हूँ डॉलर पड़े रहने दो. ATM यूज कर लूँ. डॉलर आगे काम आएंगे मेरे. सामने एक ATM दिख रहा है मेरे को. के बैंक ATM. सिम कार्ड मिल जाए. सिम कार्ड मिलने के बाद ना बहुत काम आसान हो जाते हैं भाई. सबसे पहले सिम कार्ड लिया करो जिस भी कंट्री में जाओ. करेंसी और सिम कार्ड हमेशा मैं कहता हूँ कि करेंसी और सिम कार्ड का काम जाते ही निपटा दो तो आपके बहुत सारे काम इजी हो जाते हैं. अभी मैंने होटल वगैरह कुछ बुक नहीं किया है. सिम कार्ड लूँगा फिर मैं होटल वगैरह बुक करूँगा. पता नहीं कब तो सिम कार्ड मिलेगा कब होटल वगैरह बुक होगा. ये के बैंक ATM है. इसमें चल के हम लोग थोड़ा सा पैसा निकालते हैं. सुबह सुबह एक ATM मिला है वो भी बंद पड़ा है. क्या शहर है यार ये. बिल्कुल सुनसान उजड़ा उजड़ा लग रहा है मेरे को ऐसे. आप लोग देखो बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है. यहाँ पे केवल मोबाइल मोबाइल की शॉप दिख रही है मेरे को. चारों तरफ ओप्पो ओप्पो वीवो सैमसंग एप्पल स्टोर भी है. वो देखो वो सामने एप्पल स्टोर रहा. कहीं भी कोई सिम कार्ड का शॉप नहीं दिख रहा. काफी दूर से मैं भटके भटके आ रहा हूँ यार. वीवो और ओप्पो बहुत चलता है भाई यहाँ पे. वो देखो उधर ओप्पो का यहाँ पे वीवो का. फिर यहाँ पे कौन सा मैंगो फोन पता नहीं कौन सा आ गया. मैंगो फोन तो मैंने पहली बार देखा. वो फिर सैमसंग आ गया. फिर टेक्नो आ गया. ये मुझे लगता है यहाँ पे मोबाइल वगैरह की शॉप का मार्केट है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मार्केट है. इतना मोबाइल शॉप खोल रखा यार. एक तो सिम कार्ड शॉप खोल देते यहाँ पे. 3-4 ATM में ट्राई कर लिया. कहीं भी पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है. फिर मुझे मजबूरी में ना ही एक्सचेंज सेंटर पे आकर यहाँ से मनी एक्सचेंज करवानी पड़ रही है. मेरे पास लगभग 300-400 थाई बात पड़े थे और 50 USD एक्सचेंज करवा रहा हूँ. बाकी बाद में देखूंगा. इसमें यहाँ की जो करेंसी है ना वो लाओसियन किप. एक इंडियन रुपीज में 248 लाओसियन किप होते हैं. तो यहाँ की करेंसी कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है भाई वियतनाम की तरह. तो मनी एक्सचेंज करवा लेता हूँ और फिर बाहर चल के सिम वगैरह लूँ या होटल वगैरह लूँ. 3 ATM भी मैं ट्राई कर चुका. एक भी ATM काम नहीं कर रहा. पता नहीं यार क्या ही कंट्री के ATM है. वो मोहतरमा काउंट कर रही है भाई अपने किप. ये देखो भाई 12,50,000 अपने पास किप आ गए हैं. 50,000 किप का नोट. करेंसी कोई ज़्यादा उतनी मेरे को खास लगी नहीं भाई. और एक मिला है मेरे को 1,000 किप का नोट. ये है 1,000 किप का नोट.
ये नीचे गिर गए, नीचे वाले उठा लेता हूँ। 12.5 लाख चिप मेरे पास हो गए हैं। मनी एक्सचेंज का काम तो निपटा, अब केवल एक बचा है सिम कार्ड लेने का। वियतनाम का भी कुछ ऐसा ही सीन है मनी एक्सचेंज का, तो वहाँ की करेंसी भी, वियतनाम की करेंसी भी बहुत वीक है। अब सिम कार्ड उन्होंने बताया तो यहाँ पे एक यूनिटेल सिम कार्ड की शॉप है आस पास में ही बताइए, तो यूनिटेल मुझे लेनी है सिम कार्ड। काफ़ी जगह भटक लिया भाई, सिम कार्ड तो कहीं मिला नहीं है। फिर वहाँ पे एक शॉप वाले से मैं वाईफाई लेके और हॉस्टल वगैरह सर्च किया, तो हॉस्टल को ही जा रहा हूँ। वहाँ से मैप लगाया और मैप लगा के अब हॉस्टल को जा रहा हूँ। तो एक बार हॉस्टल में चेक इन वगैरह कर करा के फिर बाद में देखूंगा यार सिम कार्ड का। सड़कें वगैरह एकदम क्लीन है, एरिया भी अच्छा खासा दिख रहा है। लाओ वेट बैंक, लाओ वेट बैंक के सामने कोई लाओ वेट बैंक है, और वो सामने कोई बड़ा सा गेट दिख रहा होगा आप लोगों को, जूम करता हूँ। ये वाला एरिया मुझे अच्छा लगा, यही वाला है अपना हॉस्टल, वेंटेने गार्डन हॉस्टल्स। पहला इम्प्रेशन तो हॉस्टल का अच्छा लग रहा है मुझे, देखते हैं बाकी अंदर चल के। वाह, स्विमिंग पूल वगैरह सब दिख रहा है मुझे। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? आई वांट बंक बेड डॉर्मेटरी। नो आई डिडंट बुक, आई वाज अबाउट टू बुक बट आई थॉट दैट आई शुड गो डायरेक्टली देयर। आई डोंट नो, मे बी टू थ्री, आई विल एक्सटेंड, आई डोंट नो, आई डोंट हैव स्पेसिफिक प्लान्स। यहाँ पे मेरे को देने पड़ रहे हैं 1 लाख लाओसियन किप, जो कि होते हैं 402 इंडियन रुपीज के बराबर, और ये मैं दे रहा हूँ 2 नोट 50,000 के लाओसियन किप। बड़ा सस्ता है यार, बड़ी बियर आपको 20,000 किप में मिल जाएगी, 80 रुपये में बड़ी बियर मिल जाएगी यार, बियर कैन मिल जाएगा 18,000 किप में, लग 75 रुपये में, स्मॉल बियर 15,000 किप में, बहुत सस्ता है यार, पेप्सी 10,000 किप में, पानी है जो 10,000 किप में। हॉस्टल में चेक इन कर लिया है, बड़ी भूख लगी है, 11 बज गए हैं दोपहर के, जोरों की भूख लगी थी तो सोचा पहले कुछ खा पी के आ जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को हॉस्टल वगैरह भी दिखाई दूंगा। पर नाइट का रेंट है वो हॉस्टल का 1 लाख की पे, 1 लाख की मतलब 400 इंडियन रुपीज, तो कोई खास ज़्यादा महंगा नहीं है, और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है, सबसे अच्छी बात तो ये है ब्रेकफास्ट होता है उसी में। पता नहीं कुछ मेरे अभी तक इस सिटी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हिसाब किताब है क्या। चाइना बॉर्डर के पास आ गए तो वही चाइनीज खाना स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पे मिला मुझे खाने के लिए चिकन नूडल्स, खुशबू तो ठीक ठाक ही आ रही है, बाकी एक बार टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। पहले इसमें मिर्ची नहीं थी तो मुझे लगा यार थोड़ी मिर्ची खाते हैं, स्पाइसी बनाते हैं, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। फिर मैंने मिर्ची डाली, अब इतना मिर्ची हो गया कि खाया नहीं जा रहा, और जल गए मेरे। 26,000 किप बनाए टोटल बिल अपना, तो मुझे यहाँ से खुले खुले मिलने वाले हैं, ये देखो। थैंक यू। ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट मिलेंगे आप लोगों को यहाँ पे। नूडल्स का टोटल प्राइस है 26,000 किप, 26,000 किप होते हैं 104 इंडियन रुपीज, तो ज़्यादा महंगा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मैंने मिर्ची इतनी डाल ली ना मेरा धुआं निकल गया। यहाँ पे लाउड टेली कम्युनिकेशन पब्लिक कंपनी का मुझे ऑफिस दिख गया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मैं मेरी सिम भी ट्राई कर ही लेता हूँ यहाँ पे, क्या पता मुझे सिम कार्ड मिल ही जाए लाओ टेलीकॉम का। आज संडे है लेकिन पता नहीं खुला भी होगा या नहीं खुला होगा। वैसे तो हॉस्टल में भी वाईफाई है, अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं ना तो इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। वो भी बाहर गार्ड बैठा था, गार्ड पता नहीं 5 मिनट से उससे मत्था फोड़े जा रहा हूँ, ना ही वो समझ रहा है ना ही मैं समझ रहा हूँ, मेरे पास इंटरनेट है नहीं कि उसको गूगल ट्रांसलेट करके मैं समझा सकूँ। वापस आ गया, मैंने सोचा बाद में हॉस्टल वाले को बोलूँगा यार तू लेके चल मुझे कहाँ पे सिम कार्ड मिलेगा। वापस आ गए अपने हॉस्टल को, यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह भी बना रखा है इन लोगों ने, यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, क्या बात है यार, लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइस, कल आप लोगों ने देखा होगा मैं थाईलैंड से चलते चलते हम लोग पहुँच गए थे लाओस, लाओस की कैपिटल वेंटेने। अब थोड़ा सा यहाँ पे निकले, साइकिल यहाँ पे रेंट से लिए, लेकिन साइकिल थोड़ी देर चलाते चलाते मुझे एहसास हो गया कि मेरे ना पैरों में दर्द होने वाला है, क्योंकि बड़े ही दिनों बाद मैं साइकिल चला रहा हूँ। ये साइकिल मैंने यहाँ पे रेंट से लिया, थोड़ी दूर लगभग 1.5 किलोमीटर मैंने साइकिल चलाई अभी। देखो ट्रैफिक वगैरह कुछ ऐसा है, शाम के 5 बज गए यहाँ पे, तो मैंने सोचा बाहर निकलते हैं थोड़ा सा घूमते हैं, जो ये लाओस की कैपिटल है वियतनाम, इसकी गलियों को एक्सप्लोर करते हैं, सड़कों को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कोई स्कूल है, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे बैठे हैं, ट्रैफिक तो यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक ही है मुझे ऐसे लगता है, लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो वगैरह करते हैं यहाँ पे। अब थोड़ा बात कर लेते हैं लाओस के बारे में। लाओस को जो फ्रीडम मिला था ना यार 19 जुलाई 1949 को, मतलब इंडिया से ऑलमोस्ट 2 साल बाद, मान लो इंडिया के 2 साल बाद लाओस को फ्रीडम मिला था फ्रेंच से। लाओस की टोटल पॉपुलेशन है वो है 7.2 मिलियन। सामने काफ़ी बड़ा स्कूल है यार, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे जा रहे हैं,
ये सारे के सारे स्टूडेंट अभी इनका छुट्टी हुआ है, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। हेलो, हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, यू नो इंग्लिश, नो, डोंट नो इंग्लिश, लिटिल बिट, व्हाट्स योर नेम, सॉरी, के, ओनली के, दिस इज वेरी स्मॉल नेम, इन विच क्लास डू यू स्टडी, विच क्लास, विच क्लास, you don't know how to say English. Yeah. Okay, you are going to home. Yeah. You are going back to home. Okay, nice, nice. बाकी कंट्री के बारे में देखा जाए तो यार बड़ी ही शांत कंट्री है। 5-6 बजे के बीच में तो पूरी कंट्री, पूरा मार्केट वगैरह बंद हो जाता है। लोगों का तो क्या ही कहना, लोग इतने सज्जन है, सही बता रहा हूँ। आप लोग आओगे ना लाओस कंट्री, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। बहुत ही पीसफुल कंट्री है, लोग बहुत अच्छे हैं। नॉर्मली ट्रेवलर है ना लाओस जैसी कंट्रीज प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि लाओस वर्थ विजिटिंग है। आप लोग घूम सकते हैं, 10-15 दिन आराम से आप लोग लाओस में बिता सकते हैं। लाओस एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री होने के बावजूद इतना सस्ता है। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में यही बताऊँगा कि लाओस इतना सस्ता क्यों है, कैसे है, और चीज़ें कितनी महंगी है यहाँ पे लाओस में। $3-4 में यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है विद ब्रेकफास्ट, और क्या ही लोगे, $3-4 में आप लोगों को हॉस्टल मिल रहा है विद ब्रेकफास्ट। इस वीडियो को तो यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, जो थाईलैंड से लाओस तक की जर्नी थी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी क्या राय थी इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।